हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनुष्का ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सादा सलवार की ड्राफ्टिंग बताने जा रही हूँ। तो जल्दी से आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सादा सलवार लेकर उसका हेडलाइन दे देंगे। कपड़ा हमारा कपड़ा 2 मीटर लगेगा। कमर की चौड़ाई 2 मीटर लगेगा। सलवार की पूरी सिंपल सलवार की पूरी लंबाई 40 इंच। कमर या चौड़ाई 15 इंच। नेफा 2 इंच ऊपर कमर का मोड़ भाग। हिप 15 इंच और मोहरी 6 इंच। अब यहाँ पे नोट लिख लीजिए, इस सलवार को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगेगा। इसकी कटिंग फोल्ड फोल्ड में की जाती है। इसकी मोहरी में कड़ा वाला बकरम लगता है, ताकि हमारा मोहरी अच्छे से बैठ सके। और फाइल के लिए लिख लीजिए, लंबाई 8 इंच, कमर 4 इंच, हिप 4 इंच, मोहरी 13 इंच। इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड, ताकि आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आप ड्राफ्ट तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे। ये ग्राफ तैयार कर रहे हैं तो आप उसके अनुसार ही तैयार करें। लंबाई हमारा 40 इंच है। तो सबसे पहले लंबाई लेकर लाइन खींच देंगे। उसके बाद कमर या चौड़ाई 15 इंच है, तो 15 इंच ले लेंगे चौड़ाई। और उसके बाद हिप 15 इंच है, तो 15 इंच ले लेंगे। इस तरह से हिप कमर 15 इंच, हिप 15 इंच और मोहरी 6 इंच है, तो 6 इंच ले लेंगे। तरह से और ये दोनों को हिप और मोहरी को ऐसे तिरछा यहाँ से मिला देंगे इस तरह से फ्रेंड। और इसके बाद मैं यहाँ नेफा 2 इंच ले लेंगे मोड़ने के लिए ऊपर। ये नेफा या मोड़ भाग लिख दीजिए। यहाँ पे कमर या चौड़ाई 15 इंच। सलवार की पूरी लंबाई है 40 इंच। सबसे पहले हमको लंबाई ही लेना होता है, उसके बाद कमर या चौड़ाई 15 इंच, उसके बाद हिप 15 इंच, फिर यहाँ पे मोहरी यहाँ भी 1 इंच। इस तरह से 1 इंच मोड़ भाग, 6 इंच मोरी। आप अपने अनुसार से ज़्यादा कम कर सकते हैं फ्रेंड। कपड़ा फोल्ड फोल्ड में कटिंग होगा,
तो इस तरह से आप ग्राफ तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए फ्रेंड ताकि आपको सादा सलवार कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगे या ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। इस तरह से